Hello students, welcome to the 8th class on current affairs. Now this class is on China and Hong Kong conflict. तो चाइना हांग कांग कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा न्यूज़पेपर में चल रहा है, तो इसको डिस्कस करेंगे. ये क्या है? सी, देखिए, इसमें एक कोर चीज है, दैट इज एक्स्ट्रा डिशन लॉ. इस लॉ को लेके ये सारा कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली अनफोल्ड हो रहा है चाइना में. नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग क्या एक्स्ट्राडिशन लॉ क्या है, इसका क्या इंप्लीकेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको सबको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम चाइना को समझेंगे. चाइना कैसा देश है? देखिए, चाइना में एक कम्युनिस्ट रिजीम है एंड चाइना भगवान में बिलीव नहीं करता है. चाइना का कम्युनिस्ट रिजीम, चाइना का जो गवर्नमेंट है, इट बिलीव्स ओनली इन जनरेटिंग द रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट अमंग द पीपल. तो कम्युनिस्ट रिजीम ये वाला है. एंड लैंड को लेके कोई भी कम्युनिस्ट देश है वो बहुत ज्यादा अटैच्ड रहता है एंड हमेशा ट्राई करता है अपने आप को एक्सपैंड करने का. सो चाइना अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है एंड चाइना एक अपॉर्चुनिस्टिक नेशन है. जब भी उसको मौका मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो वो दूसरे देश के ऊपर, दूसरे देश की टेरिटरी के ऊपर कब्जा जमाने का कोशिश करता है. यही हुआ हिंदुस्तान के साथ. हमारा अक्साई चिन रीजन चाइना के पास है. अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना कहता है कि ये उसका हिस्सा है. फिर तीसरा सक्षम वैली जो है वो पाकिस्तान से उसने ले ली है. तो चाइना इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट लैंड एंड इट वॉन्ट्स टू असर्प एज मच लैंड एज पॉसिबल. नाउ अभी हांगकांग का क्या स्टेटस है चाइना के साथ? इज हांगकांग एन इंडिपेंडेंट कंट्री? द आंसर इज नो. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ हांगकांग विद चाइना? नाउ व्हेन इट कम्स टू हांगकांग को अगर देखा जाए, हांगकांग एक फॉरेन टेरिटरी था, एक कोलोनाइज्ड टेरिटरी था ब्रिटिश का. ब्रिटिश ने ये टेरिटरी 1997 में छोड़ दिया. 1997 में जब ब्रिटिश ने ये टेरिटरी छोड़ा हांगकांग का, 1997 तक ब्रिटिश यहां पे था. तो यहां के लोगों का जो सिस्टम डेवलप हुआ, जो सोशल सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम, जो इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुआ, वो चाइना वाले सिस्टम से बिल्कुल अलग हो गया. लाइक मैंने पहले आपको बताया है, चाइना में कम्युनिज्म है. देयर इज दे डोंट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग पीपल डेमोक्रेसी. देयर इज नो डेमोक्रेसी. People, they don't provide people a lot of freedoms. But when it comes to Hong Kong, in Hong Kong people, because it was under the suzerainty of United Kingdom, UK ke under tha, Britain ke under tha, to yahan pe logon ko democracy ka aadat hai, freedom ka aadat hai, freedom of right to speech and expression, right to freedom of speech and expression. To un sab cheezon se leke bhin hai dono, China aur Hong Kong. बट राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन हांगकांग? अभी हांगकांग में एक लॉ पास किया जा रहा है, वो है एक्स्ट्राडिशन लॉ. एंड एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूं, बीच में इसको इंटरप्ट करके. 1997 में ब्रिटेन ने हांगकांग को चाइना को दे दिया, बट उनको बोला कि 50 साल तक आप हमारा सिस्टम चलने देंगे, 2047 तक इट विल ऑपरेट लाइक वन कंट्री टू सिस्टम्स. ताइवान में भी ऐसा ही है. Taiwan B is it's a part of China, but the kind of government system, it is different. One China, one country, two systems are operating. Hong Kong mein alag tarah ka sarkar hai, China mein alag tarah ka sarkar hai, desh ek hi hai. Abhi Hong Kong mein kya ho raha hai? Hong Kong ki government kya karne ja rahi hai, wo ek naya kanun leke aane ja rahe hai. Usko kehte hai extradition law. Aaj ki date mein kya ho raha hai? कोई भी बंदा क्राइम करके चाइना में, वो कहां पे भाग जाता है? हांगकांग में. और हांगकांग से अगर वापस लेके आना है उसको चाइना के लिए, तो वो अलाउड नहीं है, क्योंकि हांगकांग ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन नहीं कर रखा है चाइना के साथ या किसी भी देश के साथ. तो आज की डेट में हांगकांग एक ऐसा देश बन चुका है, जो भी बंदा भागता है क्राइम करके, वो सबसे पहले हांगकांग में चला जाता है. एंड दिस इज समथिंग दैट इज नॉट लाइक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग. Now Hong Kong, what it wants basically to come out with a law. But now there are people protesting in the streets. They are saying that China will be misusing this law. Whosoever will be speaking against China, they will be registering a case against that particular person, and that person will be extradited to China. So in this way, the rights of the people will be hurting. The logon ke rights hurt ho jayenge. Log
अपने आप को आजाद महसूस नहीं करा पाएंगे, इसी की वजह से स्ट्रीट्स पे आज की डेट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखिए, चाइना जिस तरह से हिंदुस्तान को कहता है कि आप कश्मीर का मुद्दा आप खुद मत सुलझाइए, इसको इंटरनेशनलाइज कीजिए, उसी तरह से हिंदुस्तान भी चाइना को कहता है कि आप हांगकांग का जो मुद्दा है ये बायलेटरल मुद्दा नहीं है, ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है। जिस तरह से हिंदुस्तान कश्मीर का एक मुद्दा है, उसी तरह से हांगकांग एक चाइना का मुद्दा है। चलिए, दिस वॉज ऑल फॉर द क्लास। इनकेस इसके ऊपर आंसर जरूर लिख लीजिए, मैजिका पे मैंने क्वेश्चन डाल दिया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस क्वालिटी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, बहुत कम क्वालिटी वाला वीडियोज है यूपीएससी प्रिपरेशन को लेके। एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट तो मेरी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिए, नंबर इज 8459400000। एंड यू कैन ज्वाइन अवर वीडियो क्लास पैकेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन करना है वो भी आप चंडीगढ़ या दिल्ली में हमारे पास कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।